अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अरशद नदीम, जिसने हर पाकिस्तानी का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, आज अपने छोटे से व्लॉग के अंदर जो है उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। पाकिस्तान के कौन से शहर से इसका ताल्लुक है, इनकी कितनी हाइट है, इनकी जो है वो कौन कौन से गेम के अंदर जो है वो पोजिशन आ चुकी हैं, सारी जो है वो बात आपको करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए व्लॉग जो है वो एंड तक ज़रूर देखें। अरशद नदीम साहब, इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के शहर मियाँ चनू से है, और अगर मैं इनकी हाइट पे बात करता चलूँ तो इनकी हाइट जो है वो 6 फुट 4 इंच माशाल्लाह जो है वो इनकी हाइट है। रिसेंटली जो है वो इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर 92.97 मीटर लंबी जो है वो थ्रो फेंकी है, जिसको अगर मैं फीट में बात करता चलूँ तो 305 फीट लंबी जो है वो इन्होंने थ्रो फेंकी है। यहाँ पे अगर मैं उनके मैरिटल स्टेटस की बात करता चलूँ तो अरशद नदीम साहब जो हैं वो मैरिट हैं और माशाल्लाह उनके 2 बच्चे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एथलीट होता है वो जब तक सिंगल रहता है, यानी शादी के नहीं हुई होती है, तब तक जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और आफ्टर मैरिज जो है उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है जो कि वो बिफोर मैरिज जो है उसका स्टेटस होता है, जो जितनी उतनी स्ट्रेंथ होती है। तो इस चीज़ को भी जो है उन्होंने गलत साबित किया है, और 92.7 मीटर जो है वो थ्रो फेंक के उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अच्छा, इसके बाद बात करते चलें तोहफा तहाइफ की, तो वज़ीर आज़म साहब ने इनको प्रिपरेशन के लिए 10 लाख रुपये का चेक जो है वो गेम से पहले दिया था, और जैसे ही जो है वो उन्होंने गेम जीती है तो फिर तो जो है वो एक लंबी लाइन जो है वो तोहफा तहाइफ की लग गई है, जिसमें अगर बात करते चलें तो के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची से शामिल है, जिन्होंने 2 मिलियन का चेक जो है उनको दिया है। इसके अलावा चीजियस जो है इसके अंदर शामिल है, उन्होंने 3 लाख का चेक जो है उनको दिया है, और दीगर बहुत सारे जो है वो इदारे इसके अंदर जो है वो शामिल हैं जो कि उनकी जो है वो रहनुमाई के लिए उनको तोहफे तहाइफ जो है वो दे रहे हैं, और हर पाकिस्तानी जो है वो उनको दिल से दुआएं भी दे रहा है, और उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुश भी है, और मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको वेलकम कहने के लिए बहुत बेसब्री से जो है वो बेताब हैं कि जैसे ही वो पाकिस्तान आएँ तो उनको जो है वो बहुत ही वार्मली वेलकम जो है वो किया जाए। हम भी जो है हमारी भी जो है वो विशेज उनके साथ हैं, और हम भी जो है उनको बहुत ज़्यादा दिल से मुबारकबाद भी पेश करते हैं, उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद इसी तरह से जो है वो कामयाबियाँ दे। एक बात जो मैं यहाँ पे करना भूल गया हूँ आप लोगों को, बहुत ज़रूरी एक और चीज़ बता दूँ कि उन्होंने सिर्फ इस कंपटीशन के अंदर, इस चैम्पियनशिप के अंदर जो है वो सिर्फ जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो नहीं जीता, बल्कि जो है वो इसके अलावा साउथ एशियन गेम्स के अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, इस्लामिक सॉलिडेरिटी चैम्पियनशिप के अंदर जो है वो नंबर 1 पे आ चुके हैं, और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी जो है वो नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो ये 4th टाइम है कि ही इज़ कमिंग ऑन फर्स्ट पोजीशन। इसके अलावा 2nd और 3rd पोजीशन भी जो है वो मल्टीपल गेम्स के अंदर जो है वो हासिल कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद ऐसे ही जो है वो कामयाबियाँ दें। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीलॉग जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जो है वो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।